और प्रवीण नेटारू की हत्या, जैसा आप जानते हैं, कल मंगलवार को कर दी गई। उसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, और उससे पहले आप देख रहे हैं इस इलाके में लोगों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रवीण नेटारू यहाँ इस जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे, और बताया ये भी जा रहा है कि बीते दिनों उन्होंने कन्हैया लाल के समर्थन में एक पोस्ट लिखी थी, और ये कहा था कि इस पूरे मामले पर जब एक आदमी को सरेआम इस तरीके से उसकी गर्दन कलम कर दी गई, लिबरल लोग चुप क्यों हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि पीएम की भी हत्या करने की बातें की जा रही हैं, और वो पोस्ट क्या उनकी हत्या से संबंधित हो सकती है, इस बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। और इस समय आप देख रहे हैं कि जबकि उनका क्रिमेशन किया जाना है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग उनके लिए जस्टिस की मांग लेकर जुटे हुए हैं। पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है, एक तरफ इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, दूसरे इस मामले की जांच पड़ताल करनी है और दोषियों को सजा दिलानी है। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। चंद्रमोहन ने अब से कुछ देर पहले आपको महत्वपूर्ण डिटेल्स दिए थे, आज शाम को पुलिस इस बारे में आधिकारिक रूप से जानकारी दे सकती है, ये भी उन्होंने कहा था। और इस वक्त इस विरोध प्रदर्शन के बारे में आपको और ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं चंद्रमोहन, यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ जुटी हुई है लोगों की। हाँ जिनेश जी, अभी उधर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर्स ने पुलिस के खिलाफ स्लोगन रेज किया, और पुलिस ने जल्दी से जल्दी इसका जस्टिस देना चाहिए बोल के डिमांड भी किया था, और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी किया। इसके बाद पुलिस ने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर्स के खिलाफ लाठीचार्ज भी किया। ये लाठीचार्ज में एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर भी इंजर्ड है, उनका अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अभी पुलिस ने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर्स के खिलाफ लाठीचार्ज कर रहे हैं, बहुत लोग भीड़ है और सब जस्टिस मांग रहे हैं। अभी प्रवीण नेटियार का हत्या का जस्टिस मिलना चाहिए बोल के डिमांड कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी एक्यूजों को अरेस्ट करना चाहिए, उनको खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए बोल के भी डिमांड कर रहे हैं। बहुत लोग भीड़ जमा हुआ है, इसका वजह से भी झगड़ा भी हो रहा है, पुलिस के खिलाफ लोग उसका आक्रोश का एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, इसका वजह से भी पुलिस भी लोगों का कंट्रोल करने के लिए, उनका डिस्पर्स करने के लिए अभी उनके खिलाफ लाठीचार्ज भी कर रहे हैं। अभी एक वर्कर इंजर्ड है इस लाठीचार्ज में दिनेश जी। ये भी मैं जानना चाहता हूं कि जिस जगह पर निषेधाज्ञा लागू है, 144 लागू है, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जुटान कैसे मुमकिन हुआ? जी अभी इस तरफ पिछले कुछ महीने पहले शिवमोगा में भी एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर अशोक का मर्डर हुआ था, और अभी दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में अभी प्रवीण नेटियार का मर्डर हुआ है। अभी कर्नाटक का कोस्टल एरिया में और मलनाडु डिस्ट्रिक्ट में हिंदू कार्यकर्ताओं का हत्या बार बार हो रहा है, इसके खिलाफ अभी आक्रोश व्यक्त करने के लिए ज्यादा लोग भीड़ जमा हुआ है, और इनको कंट्रोल करने के लिए अभी पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, और लोग भी पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, और लोग पुलिस के खिलाफ पत्थर भी मार रहा है। इसका वजह से अभी लोगों का डिस्कस करने के लिए पुलिस का सामने भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उनका सामने लाठीचार्ज की एक ही ऑप्शन था, इसका वजह से भी पुलिस भी लोगों को लाठीचार्ज करके उधर से डिस्कस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों का गिरफ्तार करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और लाठीचार्ज में भी अभी लोग भी इंजर्ड हो रहे हैं दिनेश जी। जी आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन, इस खबर पर आप नज़र बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट आता है हम देते हैं अपने दर्शकों को।